हाल है सबके। मैं आज बात करने वाला हूँ फ्री फायर इंडिया, क्या फ्री फायर इंडिया वापस आएगा और क्रिएटर के ऊपर जो जो क्रिएटर क्या बोल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। गाइस आप लोग ने नोटिस किया होगा, सब फ्री फायर के यूट्यूबर जो जो पहले वी बैच में थे अब वी बैच में नहीं, वो सब एक साथ आके बोल रहे हैं। गाइस ऐसा क्यों हो रहा है? गाइस सबसे पहले उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो काम करते हैं मैनेजर, वो मैनेजर इनको बराबर कोऑर्डिनेशन नहीं करते, कोई भी चीज़ बोलते तो रिप्लाई नहीं देते और हर चीज़ को प्रमोट करवाते हैं और टॉप अप करने के लिए बोलता है। और गाइस उसकी वजह से क्रिएटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कोई कोई तो निकल जाता है और कोई किसी चीज़ को निकाल देते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले फ्री फायर वाले रिप्लाई क्यों नहीं देते इंडिया के बारे में। सबसे पहले गाइस हम लोग बात दो पॉइंट में बोलेंगे। गाइस उन लोगों को गेम लाना भी है और नहीं लाना है, सबसे मेन चीज़। गाइस आप लोग पूछेंगे अगर गेम नहीं आ रहा तो लॉस हो रहा है, उनका बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है, लोग अभी भी पहले जैसे ही टॉप अप करते हैं, इसके लिए उनका लॉस इतना मैटर नहीं करता है। पर हाँ थोड़ा बहुत टॉप अप लोग कम करने लगे, ऑडियंस कम होने लगी और वो लोग ई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खिला रहे इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर गेम इंडिया में है तो ई स्पोर्ट तो खिलाना चाहिए ना गाइस, ये तो मेन चीज़ है। और अगर गेम अगर फेयरली इंडिया में है तो ऐप स्टोर में क्यों नहीं है, सिर्फ प्ले स्टोर में क्यों है? और इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है झोला है, जो अभी जो केस होगा उसके ऊपर पता लग जाएगा क्या असली रीज़न है फ्री फायर इंडिया नहीं आने का। और लोग सवाल पूछते हैं तो रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है, इंडियन वाले को शायद मॉडरेटर को पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है। और सिंगापुर तक ये न्यूज़ गई नहीं होगी कि इंडिया में फ्री फायर नॉर्मल बैन हो चुका है, मैक चलता है और इंडियन ऑडियंस को नॉर्मल फ्री फायर और ई स्पोर्ट चाहिए, ये बिल्कुल शायद सिंगापुर वाले को पता नहीं होगा। अगर ये आवाज़ उठाई जाए और सिंगापुर तक भेजी जाए तो बिल्कुल उन लोग को समझ आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग बोल रहे हो कि रेटिंग गिराने से कुछ होता है, तो गाइस रेटिंग भी खरीदी जा सकती है। आप लोगों को कोई बोलेगा भाई 50 रुपये का टॉपअप मिलेगा, आपको ये कॉपी करके उधर पेस्ट करना है तो बंदे आराम से लिख देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये खरीदी जा सकती है। इसका अगर आपको मेनली आवाज़ उठाना है तो आप लोगों को मेन 3-4 चीज़ करनी पड़ेगी। पहले आप लोगों को गेम कम खेलना करना पड़ेगा, उसके बाद टॉपअप करना कम करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ में जाके स्पैम करो जो फ्री फायर को काम भी आए। हम ऐसी चीज़ पर स्पैम कर रहे हैं जो फ्री फायर को कोई यूज़ ही नहीं। ये फ्री फायर के यूट्यूबर भी थोड़े बहुत डरे हुए हैं, अगर गेम नहीं आएगा तो इनका चैनल भी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 100 में से सिर्फ 5 लोगों का यूट्यूब चैनल चलता है बिना फ्री फायर के, ये आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं ये एक फैक्ट है। इसके लिए क्रिएटर भी आवाज उठा रहे हैं, अगर गेम आएगा तो नई ऑडियंस आएगी और इन लोगों को भी फायदा मिलेगा। हाँ गाइस ये तो एक चीज है, फ्री फायर को भी फायदा मिलेगा और गेम के जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है अगर गेम वापस आता है तो। एक टाइम के लिए फ्री फायर अनाउंसमेंट भी कर देता है कि गेम वापस आ रहा है, पर ऑडियंस को अभी भी विश्वास नहीं होगा, क्यों? ऑडियंस को बहुत बार उल्लू बना चुके हैं। हाँ गाइस उन लोग को डायरेक्टली गेम या तो एक डेट बना के अंदर डाल देना चाहिए, उसकी वजह से ऑडियंस खुश भी होगी और ऑडियंस को फायदा भी मिलेगा। फ्री फायर ने बहुत टाइम ऑडियंस के साथ इमोशनल के साथ खेला है, कभी इस तरीके को बोल के वो और टाइम बढ़ा देते हैं। मेरे को लास्ट वीडियो में बोला भाई तू डीएसजी रितिक से हेट करता है, ऐसा कुछ चीजें तो फ्री फायर को सपोर्ट नहीं करता। ब्रो हम भी फ्री फायर को खेलता हूं, मैं बहुत पहले से खेल रहा हूं, मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो और मैं भी फ्री फायर को सपोर्ट कर रहा हूं, पर मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, जो चीजें मेरे ओपिनियन है वो मेरे साइड से मैं बोल रहा हूं और मैं जितना हो पाएगा मैं भी वीडियो बनाने का ट्राई करता हूं और फ्री फायर को वापस लाने के लिए ट्राई करता हूं। करो अंधभक्त मत बनो, अपना साइड भी कुछ सुनो, थोड़ी देर में अपने भी मन से भी सुनो, क्या ये सही सब चीज सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अगर मैं भी आपको सही चीज नहीं बता रहा हूं तो आप मुझे गाली दे सकते हो, तो एक साइड का नहीं सब साइड का सुन के फिर आप लोग कुछ स्पैम करिए। और ये गेम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पुराने रोस्ट वीडियो देख सकते हो। तुम लोग बात करोगे अगर फ्री फायर मैक्स और नॉर्मल दोनों बैन हो गए तो क्या होगा? क्या भाई टेंशन मत लो, दोनों बैन हो जाएंगे तो कोई और गेम ट्राई कर लेंगे और कभी ना कभी तो ये वापस देंगे ही देंगे फ्री फायर इंडिया, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमारे इंडिया से ही होता है, तो ये बात अपने मन में रखो। अगर दोनों बैन भी हो जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस है और गेम खेलने के, और ये पक्का वापस कोई भी कॉपी बना के इधर इंडिया में लाने वाले हैं, भले फ्री फायर ना लाए तो अलग नाम देखे जरूर लाएंगे। तो आराम से रहो, मजे में रहो और मौज करते रहो।